हेलो प्रेम, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था जो है आपका कंप्यूटर के आप ऑन ऑफ प्रोसेस क्या होती है और लेफ्ट राइट क्लिक क्या होता है। इसमें आप अपने जो है कंप्यूटर में डेस्कटॉप का जो भी बैकग्राउंड है वो भी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल बात किया था। आज भी हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आशा करते हैं आज आप बहुत सारी चीज़ें सीखने जाएंगे और हम कोशिश करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाने की। चलिए तो फिर बिना स्किप किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किन किन चीज़ों से आज हम रूबरू कराएंगे। जैसे कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम आपको MS वर्ड के संबंध में कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि जो हमारी कंप्यूटर की शुरुआत होती है वो MS वर्ड से अगर हम करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे कि नोट पैड हुआ, वर्ड पैड हुआ, इन सारी चीज़ों से भी हम कर सकते हैं। बट हमें अगर इसको जो है अगर इसकी शुरुआत हम स्टार्टिंग टू करें तो एक तरह से कहा जाए नोट पैड वर्ड पैड को छोड़ के, तो हम इसे MS वर्ड से भी ले सकते हैं। MS ऑफिस का जो वर्ड होता है वो एक पैकेज होता है, इसके अंतर्गत भी हम वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें MS वर्ड चलाने के लिए कुछ नहीं करना, आपके जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में आपका इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप इसे जो है कंट्रोल पैनल से जाके यहाँ से एक बार देख भी सकते हैं। अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम इंस्टॉल है भी कि नहीं। जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं वे सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो है गूगल क्रोम डला हुआ है तो वो दिख रहा है, वायरलेस लैंड ड्राइवर डला है तो वो भी डला है। देखिए MS ऑफिस जो भी हमने आपको बताया था पैकेज 2007 का, हम लोग उस पर आपको वर्क करना सिखाएंगे। तो MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन हैं, MS ऑफिस 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, ऐसे जो है 2023 तक भी है, लेटेस्ट वर्जन भी है। लेकिन सबसे अच्छा जो सीखने के लिए है तो उसको ज़्यादातर लोग 2007 से शुरुआत करते हैं, तो यहीं से हम सीखेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए तो फिर हम इसको आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे देखिए इंस्टॉल है, मतलब अनइंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। फिर हम डायरेक्टली MS वर्ड यहाँ से सर्च करेंगे। देखिए MS वर्ड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके, आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, जैसे MS.S.Word, MS वर्ड ऐसे तो नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। MICRO भी कर सकते हैं, MICRO पूरा नाम लिख के देखेंगे हम। देखिए ऊपर हमारे बहुत सारी सूची आ गई है, तो इन सूची में देखिए MS वर्ड है क्या, MS ऑफिस वर्ड 2007, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब MS ऑफिस उधर था तो ये ऑफिस का वर्ड है, मतलब ये पैकेज होता है। इस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर निकल के आते हैं, जैसे कि MS ऑफिस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, वन नोट हुआ और एक्सेस हुआ, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो इसके पैकेज में आते हैं। तो हम आपको जो है MS वर्ड के बारे में आज कुछ चीज़ें बताते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली, ये लीजिए यहाँ से भी ओपन कर लिया। दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, ये तो सर्च करना हुआ, सर्च करना सबसे इजी तरीका है। दूसरा अगर आपको बिना सर्च किए आपको निकालना है कि मान लो कई बार हम नाम ही भूल जाए तो उसको कैसे करें, या फिर लिखना ना आया, स्पेलिंग नहीं आती कुछ लोगों को, तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? तो ईजिली आप स्टार्ट बटन पर जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, और ऑल प्रोग्राम में जाके आप MS ऑफिस यहाँ पे देख सकते हैं। MS ऑफिस क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, और यहाँ से आप MS वर्ड को इजीली क्लिक करके और यूँ आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए तो इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले और फिर हम आपको इस बारे में बताते हैं। हाँ लीजिए, तो अब देखिए हमारे यहाँ पे जैसे कि आपको MS वर्ड की होम स्क्रीन जो आपको दिख रही है, इस स्क्रीन में आपको बहुत सारी चीज़ों पर लेके प्रॉब्लम्स आती हैं जिन चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया, आप देखो ऊपर ये बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा रहा है डॉक्यूमेंट MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नीचे भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए परसेंटेज का आइकन्स भी दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अभी थोड़ा पेज इधर उधर है, अभी हम इसको प्रॉपरली आपको बताएंगे कि कभी भी हमें मैटर को अगर लिखना है तो उस मैटर को कैसे लिखें, मैटर को तैयार कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, तो कोई आपसे पूछे कि MS वर्ड के बारे में समझाइए, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है तो प्रैक्टिकली आप उसे बता सकते हो कि जैसे कि MS वर्ड के सबसे ऊपर वाली जो एक बार होती है इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको जो है देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ये दिख रही है आपको
ठीक है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग व्यू। लेकिन इससे भी अगर कहा जाए कि ये ऊपर जिसमें एमएस वर्ड ये टाइप किया हुआ है, ये कौन सी बार है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग देखिए नीचे से करते हैं। सबसे नीचे वाली बार अगर कोई पूछे तो आपको कहना है टास्क बार। टास्क का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से कोई भी टास्क चूज कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, जैसे मान लो कि एक साथ मान लो हमने पावर इसका पावर पॉइंट भी ओपन कर लेते हैं, देखिए पावर पॉइंट भी हो गया, और तीसरा हम इस पर एक्सेल भी कर लेते हैं, तीन हमने ऐसे जो है इस पर ओपन कर लिया। अब हमें डायरेक्टली स्विच करना, देखिए एक्सेल से हमें अगर पावर पॉइंट पर जाना है तो पावर पॉइंट पर आ जाएंगे, पावर पॉइंट से अगर हमें एमएस वर्ड पे स्विच करना है तो देखिए वर्ड में स्विच कर लिया। तो ऐसे टास्क वार का यूज होता है, जितने भी टास्क हैं जिनको आप एक साथ जाना चाहें एक से दूसरे सॉफ्टवेयर आदि पे, तो उससे आप जा सकते हो, ये रहता है। और हमारा जो है राइट साइड में यहाँ पे डेट टाइम दिया हुआ है। अब सबसे नीचे वाली बार कौन सी बार हो गई, टास्क बार, और सबसे ऊपर वाली बार देखिए जिस पे एमएस वर्ड लिखा रहा हुआ है ये है टाइटल बार, ठीक है टाइटल बार, क्लियर ना टाइटल बार। तो इस टाइटल बार पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखाई देगी, वो है सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम अगर कोई पूछे, या फिर आपको पता करना हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर क्या चला रहा है। जैसे कई बार हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ये आ जाते हैं कि अभी कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो कई बार अटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे क्लियर कर सकते हो, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है टाइटल बार है हमारी, और टाइटल बार को आप देख सकते हो कि उस पर आपको नाम दिखेगा सॉफ्टवेयर का नाम। तो कभी भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि कोई हमसे पूछे कि एमएस वर्ड में हम सॉफ्टवेयर का नाम कहाँ देख पाएंगे, तो वो टाइटल बार पे देख पाएंगे। या फिर कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम हमें कहाँ दिखाई देता है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो उसमें आप सीधा सा बोल सकते हो, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको टाइटल बार में, मतलब सबसे ऊपर वाली बार, देखिए ये हमने पावर पॉइंट भी ऊपर करके आपको दिखाया, फिर देखिए इसमें दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल में भी दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसे दिख जाता है। तो सबसे ऊपर वाली बार है हमारी, है ना टाइटल बार। तो टाइटल बार पे क्या दिखता है हमारा, सीधा से सीधा उसका टाइटल, किसका सॉफ्टवेयर का। और अगर जो है राइट में देखें तो राइट में हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, तीन बटन होते हैं, कंट्रोल बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज और हमारा क्लोज। इसमें तीनों बटनों का यूज़ भी एक बार हम बता देते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है अगर मान लीजिए कई बार आपको जैसे इस सॉफ्टवेयर पे काम ना करके दूसरे पे भी करना है, तो डायरेक्टली स्विच भी कर सकते हो आप, नहीं तो अगर आपको ऐसा लगे कि इसको छुपाना हो तो छुपा भी सकते हो। जैसे मान लो एक साथ दो चार विंडो हम ओपन करना चाहें तो दो चार विंडो ओपन कर लेते हैं, देखिए मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए देखिए हम यहाँ पे दो विंडो ओपन कर लिए हैं, या इसमें हम कुछ और फाइल पे नाम लिख देते हैं और इसको हम छुपा देते हैं, और दूसरी फाइल पे हम यहाँ पे कुछ और नाम देखें, ये लीजिए ठीक है। तो अब हमें जिस पे भी एक दूसरे पे वर्क करना है, इस एक को छुपाना है, दूसरे ऊपर करना है, दूसरे को छुपाना है, तीसरे ऊपर करना है, तो मिनिमाइज का मतलब होता है अपनी फाइल को छुपा देना। जैसे हम इसको छुपा देंगे तो आप यहाँ देख रहे हो इस जगह हमारी फाइल छुप के आ जाएगी, इस जगह इस लोकेशन में, जैसे कि हमारा एमएस वर्ड ओपन है, देखिए हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल को करके दिखा दें, देखिए एक्सेल को हमने ओपन कर लिया है, एक्सेल को हम मालूम है छुपाना है तो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आप फट से फोकस करिएगा फाइल वहाँ छुप के जाएगी, देखिए चली गई। अब आपने देखा कि यहाँ फाइल हमारी छुप गई, वही हमारी पावर पॉइंट की फाइल अभी ओपन है तो इसको भी छुपा के दिखा देते हैं, ये लीजिए मिनिमाइज। अब जो हमारी फाइल मिनिमाइज हुई है ये मतलब छुप गई है, तो हम इसको ओपन कैसे करें, तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, उस फाइल को सीधे सीधे आप उस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद वो आपकी फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। कैसे, जैसे हमने अभी पावर पॉइंट को मिनिमाइज किया, एक्सेल को मिनिमाइज किया, तो जैसे हम एक्सेल पर क्लिक करते हैं हमारी फाइल खुल जाएगी, पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं उस आइकन पर क्लिक करोगे तो ये भी ओपन हो जाएगी, दोनों ओपन हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हो। तो इस एग्जांपल से हम इसको देख सकते हैं, मान लो कि हमें अब इस फाइल को हमें छोटे रूप में देखना है और दूसरे पर भी वर्क करना है, तो इसको फाइल को अगर एक तरह से कहा जाए सॉफ्टवेयर की हमारी जो प्रोग्राम विंडो है, इस प्रोग्राम विंडो को हमें छोटी साइज में करने के लिए दूसरा बटन है हमारा, देखिए देख सकते हो आप कौन सा बटन, इस पे लिखा आ रहा है रीस्टोर डाउन, लेकिन जब इसको हम छोटा करेंगे तो ये हमारा लिखा आएगा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज फिर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज मतलब पेज को छुपाना, मैक्सिमाइज मतलब छोटा बड़ा करना। क्लिक करेंगे ये देखिए अब हमारी स्क्रीन जो है छोटी हो गई, देखो अब इसकी हम साइज घटा बढ़ा भी सकते, देखिए ऐसे इजीली हो गया ना छोटा। अब देखिए हम इस पर वर्क कर सकते हैं, वर्क करने का देखो इस पर भी वर्क कर सकते हैं, ये वर्क हो गया। अब उसको हम देखिए जो छुपाया है हम उसको ओपन करके देखा, ये लीजिए
ऐसे ओपन कर सकते हैं, मतलब एक साथ अगर हमें दो, कई बार क्या होता है कि एक साथ हमें दो चीज़ों की फ़ोटो भी लेनी है, एक साइड इस साइड इस साइड, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। मान लो हमें इसको एम एस वर्ड को भी इसी तरह लेना है, देखो एम एस वर्ड को भी हम कर लेते हैं, छोटा कर लें इसको, फिर हम आपको इसको भी करके बता देते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों परेशान होते हैं, कर नहीं पाते हैं। देख ये देखिए, मैंने इसको भी कर लिया साइड में, मतलब हमारे एक साथ सॉफ्टवेयर में हम देख पा रहे हैं, एक्सेल में हमने दो विंडो को ओपन कर लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मतलब आप कभी फ़ोटो वगैरह निकालना चाहो तो इसलिए इससे क्लिक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना हुआ, मान लो हमें इसको फिर से मिनिमाइज़ करना है, छुपा देना, तो लीजिए हम इसको क्लिक कर देते, छुप जाएगा। इसको भी मिनिमाइज़ करना है, ये भी छुप जाएगा। इसको हमें बंद करना है, अब लास्ट वाला ऑप्शन है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है आपका जो फाइल है वो टोटली बंद हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखिए। मिनिमाइज से फाइल छुप जाएगी, मैक्सिमाइज से क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी साइज हो जाएगी, और क्लोज से क्या होगा, आप उससे प्रॉपरली क्लोज कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, क्लोज से, जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो हमारा यहाँ से जो आपको आइकन दिख रहा है टास्क बार पर, ये भी हट जाएगा, मतलब फाइल बंद हो जाएगी। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, ये लीजिए, अब वो कह रहा है कि आपको इस फाइल को सेव करना क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए मैटर लिखा हुआ था, अब मुझे इसको सेव नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, नो, अगर करना होता है तो मैं यस कर देता, नो, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, देख सकते हो आप, अब हमारा इसमें अगला टॉपिक है, देखिए अब हम इसको वापस से बंद करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, इसको भी हमने क्लोज कर दिया, तो ये बंद हो गया हमारा, नो कर देते इसको भी, वापस से हम अपनी फाइल पे आ जाएंगे, इसको भी न्यू जो हमने प्रोग्राम में बनाई थी इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए ओपन हो गया। अब हमारा पेज थोड़ा आपको बड़ा साइज में दिख रहा है, तो हम देखो यहाँ से ये हमने छोटा बड़ा किए हैं अपने पेज के जूम के हिसाब से। देखो अभी हमारा पेज का यहाँ पर जूम दिख रहा है 118 जूम दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, छोटी साइज में दिखेगा। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, इसलिए 100% हो गया। क्या होता है कि कई बार हम मैटर लिखते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें मैटर कितने प्रतिशत जूम में लिखना चाहिए, तो हमारा जो मैटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 100% जूम में लिखा जाता है। कई बार हम लोग जो होते हैं, पता चला कि मैटर को जैसे लिख रहे हैं और उसको हम जूम यहाँ से कर देते हैं तो हमें मैटर की साइज़ बड़ी लगने लगती है, देखिए ऐसे। लेकिन हम इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पेज की साइज़ का जूम हो रहा है, ना कि मैटर की साइज़ बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को आप ऐसे देख सकते हो। तो ये हो गया, तो पहला हो गया हमारा टाइटल बार। अब दूसरा है, देखिए इसी में टाइटल बार के नीचे जो हमने आपको सबसे नंबर वन पे बताई थी, कौन सी, मेन्यू बार। मेन्यू बार का मतलब होता है जिसपे आपको मेन्यू दिए होते हैं, टैब भी कहलाते हैं, जैसे कि होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इतने सारे हमारे मेन्यू दिखेगा, जिसमें देखिए अलग अलग क्लिक करते हैं तो अलग अलग इसमें ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस को हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार, और टाइटल बार के नीचे वाली बार मेन्यू बार, क्लियर। अब सबसे इसमें एक और देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा टाइटल बार के नीचे बार है, तो वैसे ही एक टास्क बार के ऊपर भी है। देखिए जिस पे आपको ये जूम दिख रहा था, जूम जिसमें आपको जो है मिनिमाइज ऐसे कर सकते, देखिए घटा बढ़ा सकते हैं, तो इस जूम में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस बार का भी एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटस, मतलब आपको पेज का जो स्टेटस है वो इसी पे दिखेगा। जैसे स्टेटस क्या दिखेगा, ये देखिए पेज का हमारा ये हो गया, पेज का नंबर हो गया, जैसे हमारे पास पेज कितने हैं, पेज ऑफ वन, वर्ड कितने हैं, वन लिखा आ गया। मान लो अगर हम इसमें देखो एक स्पेस दे दें तो पेज टू बताएगा, देखिए वर्ड दो टू बता दिया, काउंटिंग बता दिया। ये मान लो हमने कुछ और लिख दिया, देखो थ्री काउंटिंग हो जाएगी, ये हो गया, देखिए फोर फाइव, ऐसे हमारा जो वर्ड का काउंटिंग है, देखो फाइव हो गया, फाइव बढ़ गया, ऐसे तो ऐसे बता सकते। अगर मान लो हमने पेज को बढ़ा दिया, देखो पेज का काउंटिंग कर देगा ये, ये देखिए अभी हम दूसरे पेज पे आ गए, देखिए हाँ अब देखिए टू ऑफ टू बता रहे हैं, मतलब टू ऑफ टू का मतलब होता है इसमें दो पेज हैं, और ऑफ के बाद टू लिखा है उसका मतलब होता है अभी हम इस एक पेज नहीं है, दूसरा पेज है। और पहले पेज पे अगर आप रहेंगे और दूसरा अगर उसमें पेज है, भले ही आप दूसरे पे रहे ना रहें, तो उसमें बताएगा जितने भी पेज पे आप वर्क कर रहे होंगे, जिस पेज पे, मान लो कि हम इस पेज पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हमें बता देगा हम किस पे वर्क कर रहे हैं, पेज वन पे वर्क कर रहे हैं। मान लो कि हमने टू पे वर्क कर रहे हैं, तो टू बता देगा कि हम टू पे वर्क कर रहे हैं। तो पहला जो डिजिट है वो बताता है पेज के वर्क करने वाली जगह को,
और दूसरा बताता है पेज की काउंटिंग को कि टोटल पेज उसमें कितने हैं। देखियो इसके मान लो कि हमने जैसे और भी पेज बना लेते हैं। देखिए अब इतने सारे हमारे पेज बनते जा रहे हैं, मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये हमारे पेज तैयार हो रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करने से देखिए, अब देखिए यहाँ पे 6 पेज बन गए हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे जो है चौथे नंबर पेज पे हम वर्क करना है, तो देखिए अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे कि भैया आप जो है चौथे पेज पे वर्क कर रहे हो। अगर मान लो हमें यहाँ पे देखो थर्ड पे वर्क करना है, तो यहाँ पे देखो थर्ड पे वर्क करेंगे, तो जैसे ही थर्ड पे वर्क करेंगे यहाँ बता देगा कि हमने कितने पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा जो स्टेट्स वगैरह है हमें यहाँ पे दिखाता रहता है, जिसमें हम वर्ड की काउंटिंग पता कर सकते हैं कि हमने कितने वर्ड लिख चुके हैं, और क्या बता देता है हमें दूसरा हमारा स्टेटस बार, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा स्टेटस बार में ये जूम आउट और जूम इन करना हुआ ये बता देता है। फिर हमारे पास एक बार और है, ये देखिए ये एक साइड में भी बार होती है, इनको देखिए 1 2 3 इस तरफ से दिया हुआ है, ये दिखा है 1 2 3 इस तरफ से दिया, तो इसको कहा जाता है रूलर। रूलर का मतलब होता है मैटर को जो हम एक फिट एंड पोजिशन पर करके लिखते हैं, तो उसको इसमें सेट करके दिखा जाता है। देखिए अगर मान लो कि जैसे भी हम मैटर इस तरफ लिख रहे हैं, अब हम चाहें मैटर यहाँ लिखे, तो यहाँ मैटर नहीं लिख सकता जब तक कि हम रूलर को सेट नहीं करेंगे। देखो रूलर को यहाँ सेट कर दिया, अब देखो मैटर भी खिसक के आ गया। अब देखिए ये लीजिए, देखिए आप मैटर को देख सकते हैं कि हमने जहाँ पर रूलर को दिखाया वो वहाँ पर खिसक गया, क्योंकि हम जैसे इसमें हम लिख तो सकते हैं लेकिन पेज हमारा जो प्रिंट होगा वो दिखा रहा है कि हम पेज कहाँ से उसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए वाइट वाइट दिखा रहा है, मतलब मैटर यहाँ से लिखा जाएगा आपका। देखो इसके ऊपर हम नहीं क्लिक कर सकते, देखो इसके ऊपर हेडर आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम कर सकते हैं इजीली। हाँ, फिर कह रहा है हमारा लास्ट साइड में हमारी जो बार है इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्लियर। वर्टिकल मतलब जो ऊपर नीचे करके हमें पेज को देखना हो। मान लो कि जैसे हमने पेज नंबर 1 पर वर्क किया, अब हमें देखो पेज पे यहाँ पे दिख रहा है, मान लो पेज नंबर 4 पर पहुँचना है, तो हम इसी से आएंगे। देखो यहाँ पर साइड में लिखा भी आ रहा है, यहाँ पर लिखा आता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे माउस से आपको दबाना है और दबा के नीचे लाना है, ऐसे भी आ सकते हो। देखिए ये देखिए, तो पेज 2 पे आ गए, पेज 3 पे आ गए, पेज 4 पे आ गए, मतलब हमें जिस पे वर्क करना है हम उस पेज पर जा सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो इसका स्क्रॉल बार का, वर्टिकल स्क्रॉल का बार का यूज़ क्यों किया जाता है, पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। दूसरा है हमारा एक और होती है हॉरिजेंटल बार, जो हमें स्टेटस बार के ऊपर दिखती है, अभी नहीं दिखेगी। ये कब दिखेगी, जब हम पेज का जूम ज़्यादा करेंगे। देखिए जैसे हमने स्टेटस बार से पेज का जूम ज़्यादा किया, अब देखिए अब आपको देखना शुरू हो गई। मान लो हमने पेज का जूम कर दिया 220, तो आप ऐसे देख सकते हो। देखो अब ये काम करेगी, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब ये पेज को चौड़ाई में हमें दिखाएगी, थोड़ा जूम करने पर ये वर्क करने लगती है। लेकिन हम जैसे ही इस पर देखिए 100% हम इसका जूम करेंगे, कम करेंगे, तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेज का जूम तो उतना है ही नहीं, तो हॉरिजेंटल करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्टिकल आपकी इसी में रहती है, इससे आप क्या कर सकते हो, पेज को ऊपर नीचे करके देख सकते हो। जिस भी पेज पे जाना है इजीली आप वहाँ पे जा सकते हो। मान लो हमने इस पर पहले पे वर्क कर लिया, अब हमें 5वें पेज पे डायरेक्टली वर्क करना है, तो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे माउस से, इसको दबा के माउस के जैसे लेफ्ट क्लिक से आपको इसको क्लिक नहीं करना है, क्लिक करने से नहीं होगा, जैसे आपने क्लिक किया और फिर नीचे लाना है, दबाने के बाद छोड़ना नहीं है आपको अपने माउस को, और नीचे तक लाओगे तो 5वें पेज पे आ जाओगे और वर्क करो। देखो इसलिए वर्क हो जाएगा आपका, ये हो गया। फिर है हमारा इतने सारे, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन तो जान लिया, अब कह रहा है कि देखो हमारे ये होते हैं टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको एक्स्ट्रा टूल दिए जाते हैं जैसे यूज करने के लिए। मान लो हमें देखे यहाँ पे जो है पेज की साइज़ को हमें और बढ़ाना हुआ और छोटा करना हुआ, इन सारी चीज़ों को बताता। देखो मान लो मैटर को बोल्ट भी करना हुआ, देखो जैसे लिखा मैंने मैटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एक मैटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू, इतना लिख दिया और यहाँ पे ऐसे दे दिए, तो अब हम इसको बोल्ट करना है, तो देखो यहाँ से हम भी बोल्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कुछ हमें स्पेशल टूल्स दिए जाते हैं जो यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे और भी सारे ऑप्शन हैं जिनको हम यहाँ से वर्क कर सकते हैं, और यही सारे ऑप्शन हमें नीचे भी देखने को मिलेंगे। इसको देखिए, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और फिर है हमारा ये साइड में देख सकते हैं ये बटन है, इस बटन का नाम होता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फाइल को सेव करना हुआ और फाइल का जो है एक तरह से कहा जाए फाइल का नाम बदलना हुआ। मान लो फाइल जैसे अजय के नाम से सेव, अब यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है, तो इन सारे ऑप्शन को आज हम समझेंगे। आज हमारे देखो हमारा मेन उद्देश्य था ही कि हम आपको
ऑफिस बटन, एमएस वर्ड के ऑफिस बटन के अंतर्गत सारे ऑप्शंस जो भी हैं उसको बताएं आपको कि इसका आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और इसके बारे में हम आपको बता भी देंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और अब आपको देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। देखिए इन सारे ऑप्शंस का, प्रत्येक ऑप्शन का अपना अपना यूज है। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे इस ये फाइल है डॉक्यूमेंट वन के नाम से, अब हमें कोई नई फाइल लेनी है तो नई फाइल लेने के हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और हमारी नई फाइल आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए ना, जी हाँ हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए है और यहाँ पे लिखा है क्रिएट। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो फाइल हमारी वहीं पे छुप जाएगी और ये हमारे दिखने लगेगी। देखिए आगे हमारे पास नई फाइल, देखिए यहाँ पे आप तो दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही टास्क बार पे क्लिक करेंगे बताएगा आपके दो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू के नाम से दो फाइलें हैं आपकी। तो ऐसे आप देख भी सकते हो। तो हमें मान लो इस पे हम कोई मैटर लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ऐसे लिख दिया, ये लिखा गया हमारा मैटर। अब मान लो कि हमें इस फाइल को क्या करना है, बनाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी फाइल सेव हो जाए। देखिए हमारा इसमें अगला ऑप्शन है सेव, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है हमारा ओपन। अब ओपन फाइल हम तभी कर पाएंगे जब हमारी फाइल सेव होगी, तो सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा सेव का। तो सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करें सेव के ऑप्शन पर, जैसे आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक किया बता रहा है देखिए फाइल का नेम दर्ज करें। हमें यहाँ पे इस नीले वाले कॉलम में आपको जब भी कोई भी मैटर लिखेंगे आप यहाँ पे वो दिखाई देगा कि आप इस फाइल का नाम ये तो नहीं रखना चाहते हैं, सजेस्ट करता है। अगर आपको फाइल का नाम ये नहीं रखना है तो आप चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर वन, COMPUTER, ये लीजिए कंप्यूटर वन के नाम से। देखिए फोर बार हमने इसको वन लिख दिया, कंप्यूटर वन 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 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। और सिर्फ अभी फाइल सेव नहीं हुई है, याद रखिए अभी सिर्फ फाइल का आपने नेम दर्ज किया है। तो फाइल नाम दर्ज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। अगर मान लो यही फाइल आपको अपने फोल्डर में या फिर अपने स्थान पर जहाँ पे आपको फाइल को सेव करना हो वहाँ सेव करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से भी आप जाके कर सकते हो। जैसे मान लो आपको डेस्कटॉप पे फाइल चाहिए तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो और सेव पे क्लिक कर दो, आपकी फाइल क्या हो गई उस लोकेशन में सीधे सेव हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये देखिए फाइल सेव हो गई ना, हाँ। तो अब हमारा अगला ऑप्शन है, इसमें एक छोटा सा ऑप्शन है कि अब देखो जैसे हमने मैटर को फाइल को सेव तो कर दिया, अब हमें उस फाइल को ओपन करके देखना है। तो पहले हम फाइल को बंद कर देते हैं, क्लोज से जो कि हमने बताया था इसे बंद कर दिया, इसको भी अगर हम बंद कर दें, ये लीजिए नो कर दिया। अब स्टार्ट पे जाएंगे हम, स्टार्ट से क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सीधे हम यहाँ पे जाते हैं अपने एमएस वर्ड ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑफिस बटन और सेव पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे अब आपके दूसरे ऑप्शन का यूज होगा, मतलब जो हमारा पहला था न्यू, न्यू से नई फाइल और ओपन से उस फाइल को हम ओपन भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें इस फाइल को बिना ओपन पे क्लिक किए ओपन करना है तो हमें रिसेंटली, रिसेंट मतलब अभी अभी हमने जिस फाइल को बनाया है, देखिए साइड में भी हमें उस फाइल का नाम दिख जाता है, यहाँ पे पिन करके आ जाती है कि देखिए आपने इन फाइलों का यूज़ किया है। तो अभी अपने हमारे जो देखिए जिसने नाम से कंप्यूटर वन वन के नाम से फाइल सेव की, तो देखो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, तो इसको भी हम डायरेक्ट क्लिक यहाँ पे भी करके ओपन कर सकते हैं। देखिए क्लिक किया और हमारी फाइल ओपन हो गई ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम भी दिख रहा है। अब हमें मान लो ओपन से ही ओपन करनी है फाइल को, तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, फिर स्टार्ट यहाँ पे हमने एमएस वर्ड क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देना है। देखिए हमने जैसे फाइल का नाम दिया था कंप्यूटर वन वन, तो यहाँ लिखेंगे COMP। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है 111, ये लीजिए कंप्यूटर 111 के नाम से हमारी फाइल सेव थी, लेकिन कह रहा है इस जगह आपकी फाइल नहीं है, लेकिन हमने फाइल को तो सेव किया था। तो फाइल को आपको याद होगा आपने फाइल कहाँ सेव की थी, आपने फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो आ गई ना आपकी फाइल, क्लिक और ओपन सीधे आपकी फाइल आ जाएगी। ऐसे इसे आप इजीली कर सकते हो। तो फाइल को ओपन करना हुआ, बनाना हुआ,
न्यू से फाइल बनाई जाएगी, ओपन से फाइल को ओपन किया जाएगा मतलब खोली जाएगी जिस फाइल को आपने बनाया है, मतलब सेव करने के बाद ही वो ओपन होगी। अगर आप सोचो कि बिना सेव किए आप फाइल को ओपन कर लो तो ऐसा नहीं होगा। फाइल हम आपको ये भी बता देते हैं, देखिए मान लो हमने कि एक न्यू फाइल से नई फाइल बना लेते हैं क्रिएट, और मान लो हमने इस पर मैटर लिखा और इसको हमने बंद कर दिया, नो कर दिया, सेव नहीं किया हमने फाइल को। अब हमें यहाँ पे उसका नाम था डॉक्यूमेंट वन, देखिए अब हमें इसको ओपन करना है और यहाँ पे हम सर्च कर दें DOCU, देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ना ही हमें देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखाएगा, नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि वो फाइल उस नाम से सेव ही नहीं हुई। लेकिन अगर हम उस फाइल को सेव कर देते हैं तो हो जाता है, ये अभी हम आपको सेव एज से बता देंगे। देखिए हमारा अगला ऑप्शन है सेव एज, सेव एज का मतलब होता है फाइल का नाम बदल देना। जैसे मान लो अभी हमारा फाइल का नाम है कंप्यूटर वन वन, अब हमें कंप्यूटर का वन वन ना हटा के इसको कर देना है कंप्यूटर का नाम टू टू कर देना है, तो देखो सेव एज पे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर का नाम हमें कर देना वन वन की जगह यहाँ पे क्लिक कर देंगे और COM ये लीजिए टू टू कर देते हैं, टू 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 ये लीजिए टू टू कर दिया। अब हमारी वो फाइल जो रहेगी वो हमारी किसके नाम से सेव हो गई, टू टू के नाम से, कंप्यूटर वन वन तो थी ही लेकिन हमें उस फाइल की एक कॉपी हमें उसने बना के दे दी कंप्यूटर टू टू के नाम से, फाइल का नाम बदला गया है। देखिए अब हमें यहाँ से जैसे कि ऑफिस बटन में जाएंगे और अब इसको ओपन करें, देखिए तो हमें दिखाया जाएगा टू टू लिखे मात्र, देखिए यहाँ पे आ गई नहीं, वन वन वाली भी आ गई फाइल और टू टू भी आ गई, मतलब हमने फाइल का नाम बदल लिया, उसने एक कॉपी इस नाम से भी दे दी। देखिए इसमें भी वही है, देखिए यहाँ ऊपर भी देख सकते हो कंप्यूटर का नाम टू टू हो गया। तो ये सेव एज ऐसे वर्क करता है, ठीक है ना? तो न्यू ओपन सेव, सेव एज न्यू से नई फाइल, ओपन से फाइल ओपन कोई भी, सेव से फाइल सेव और सेव एज से उस फाइल का नाम बदला जाएगा, और प्रिंट से फाइल को प्रिंट करना है। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए जो भी आपका प्रिंटर होगा लोकल उस पर आप क्लिक करोगे इजिली, और क्लिक करने के बाद आपको पेज की कॉपी क्या चाहिए है, देखिए पेज मान लो पेजेस बता रहा है कौन से पेजेस की कॉपी चाहिए आपको। जैसे मान लो हमें पेज नंबर वन की कॉपी चाहिए है तो पेज नंबर वन पे क्लिक करेंगे हमें, और यहाँ पे मान लो हम चाहते हैं कि देखो कॉपियाँ कितनी चाहिए पेज नंबर वन की, हमें यहाँ पे चाहिए टू कॉपी, तो टू कॉपी क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारा पेज प्रिंट हो जाएगा। और भी सारी सेटिंग है जिसको हम एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में पूरा, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप इजीली कर सकते हो और ओके कर दोगे तो फाइल आपकी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि आप इसको सेव करना है क्या, नॉर्मल हम इसको दे देते हैं कुछ भी ऐसे नाम ये लीजिए और सेव कर देते। अब हमारी आप फाइल देखोगे प्रिंट होना शुरू हो जाएगी, इसमें आपको फाइल प्रिंट होते नहीं दिख रही क्योंकि हमने इसमें अभी प्रिंटर नहीं जोड़ा है। तो परेशान नहीं होना है आपको, सिर्फ सिर्फ करना कुछ नहीं है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है, और जिसकी जितनी भी कॉपी चाहिए आपको मान लो पहले पेज की प्रिंट निकालना है दूसरे का भी निकालना है तो जितने भी आपको कॉपी चाहिए और यहाँ पे वो आप डाल सकते हो। मान लो कि आपके पेज में यहाँ पे देख सकते हो दस, देखिए दस पेज है ये देखिए, अब आपके यहाँ पे पेज मान लो कितने हो गए तीन पेज हो गए, तीन भी मगर हम कॉपी कर लें, देखो इस पर मैटर लिख दिया कुछ भी, इस पर भी लिख देते हैं कुछ भी। अब हम चाहते हैं कि पहला और हमारा तीसरा पेज प्रिंट हो, दूसरा पेज प्रिंट ना हो, तो इसको हमें क्या करना होगा, ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, इसलिए इसका यूज होता है, हमने लिखा पेजेस वन और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे और थ्री लिख देंगे, मतलब हमें पहले पेज की कॉपी चाहिए और तीसरे पेज की कॉपी चाहिए। कितनी कॉपी चाहिए, एक चाहिए तो एक, दो चाहिए तो दो, तीन चाहिए तो तीन, देखिए जितनी हमें कॉपी यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वो हमें कॉपी ले लेगा और यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारी वो फाइल देखो यहाँ पे किसी भी नाम से कर दो और प्रिंट हमारी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, इजीली आप इसको कर पाओगे। तो ये हमारा प्रिंट ऑप्शन भी हो गया। फिर हमारा प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है अगर हमें मान लो फाइल पर पासवर्ड डालना है, जैसे कि हमने अगर फाइल को यहाँ पे अभी लिखा था नॉर्मल कर देते हम इसको, देखिए ये हमारा फाइल है, अब हम इस फाइल को चाहते हैं कि कोई हमारा मैटर ना देख पाए तो क्लिक करेंगे हम इसको प्रिपेयर पर और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और देखिए क्या रहा है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट भी क्या बोल रहा है, इनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ़ यू लॉस्ट फॉरगेट द पासवर्ड इफ कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब अगर आप इस फाइल को जो है फॉरगेट करते हो तो आप इसको अगर आप एक तरह से कहा जाए तो रिकवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन ये कह रहा है कि ये नॉर्मल पासवर्ड नहीं है तो इसको आप एक तरह से कहा जाए मान लो अगर फाइल का पासवर्ड भूल गए
तो आप फाइल के पासवर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइल का पासवर्ड भूल गए, देखो 1 2 3, मैंने अगर इसमें फाइल मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। अब वो कह रहा है इसको कंफर्म करो, अभी पासवर्ड दिख रहा था, अब कंफर्म मतलब री एंटर करना है इसको, तो 1 2 3 4 और ओके कर दिया। अब हमारी फाइल पर पासवर्ड डल गया। इतने से पासवर्ड मात्र नहीं डलता है, जब तक कि आप इस फाइल को सेव नहीं करोगे क्लोज करते समय, वो कह रहा है कि आपने जो इसमें चेंजेस किए हैं, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंज ऑफ टू द कंप्यूटर टू टू टू, मतलब इस फाइल में आपने जो भी चेंजेस किए हैं क्या उनको सेव करना है, सेव करना है तो इस पे क्लिक करो, बस आपका कंप्यूटर बंद। और आप सीधे फाइल बंद होने के बाद एमएस वर्ड को फिर से ओपन करो और उसी टू टू वाली फाइल को ओपन करके देख लीजिए। देखिए रिसेंटली ओपन में आ दिख रही है, यहाँ से भी कर सकते हो और ओपन से जाके भी हम कर लेंगे। यहाँ पर देखो डेस्कटॉप में गए और यहाँ से हम फाइल को डालेंगे 222। देखिए ऐसे नहीं आ रहा है तो आप नीचे करके भी देख सकते हो। ओपन कर लिया और देखो बोल रहा है कि आपका पासवर्ड डल चुका है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब मान लो कि इस फाइल को हम बंद कर दें और कोई और पासवर्ड दे के देखें, ले लीजिए और ये देखिए ओपन करके देखें 1 2 3 5 डालेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, देखिए द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मतलब आपका फाइल का पासवर्ड गलत है। अब हम मुझे याद रहा, मान लो कि मैंने 1 2 3 5 डाला था तो मैं अब भूल गया, तो इस फाइल को मैं कभी नहीं खोल पाऊंगा, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो फाइल में पासवर्ड डालना हुआ, मान लो फाइल पर अगर हमें पासवर्ड हटाना है तो फाइल से पासवर्ड हटाते कैसे, मान लो इस फाइल से हमारा पासवर्ड डाला हुआ है, अब इस हमें इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम, देखिए ओपन कर लेंगे पहले फाइल को, ओपन हो गई, अब हमने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, अब हमें ओके करके इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक और यहाँ से प्रिपेयर पे क्लिक और इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक और इसको हम रिमूव कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारी फाइल क्या हो गई देख सकते हो आप। तो अब इस पर पासवर्ड डलना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मतलब हमने इसको पासवर्ड को कैंसिल कर दिया है, अब इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, इजीली ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे फिर से देखिए प्रीपेयर पे और देखेंगे आप इनके डॉक्यूमेंट, यहाँ कोई पासवर्ड नहीं है, मतलब जब आप इसको बंद कर देंगे यस और स्टार्ट एमएस वर्ड ओपन, देखो लीजिए आपकी बिना पासवर्ड की फाइल खुल गई। अब मान लो कि फाइल पर पासवर्ड जो है हमें चेंज करना है, तो फाइल पर पासवर्ड डालने के बाद चेंज भी कर सकते हो, क्लिक करो प्रिपेयर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, अब देखो 1 2 3 4 था ना हमारा, डाल देते हैं हम इसको, फिर चेंज करके बताते हैं आपको। ये लीजिए डाल दिया, ओपन हो गया, क्लोज करने के बाद हमने इसको यस कर दिया, सेव हो गई फाइल, फिर स्टार्ट बटन एमएस वर्ड और यहाँ से डायरेक्टली 2 2 फाइल। अब देखो कह रहा है ना 1 2 3 4 डालना पड़ेगा आपको, हमने जो सेट किया था 1 2 3 4, ये लीजिए 1 2 3 4, ओहो एक सेकेंड 1 2 3 4, ये लीजिए और ओके फाइल ओपन हो गई। अब मान लो कि हमारे किसी फ्रेंड को अगर पता चलेगा कि इस फाइल का नाम क्या है और हमारा कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट भी रहता है कभी, तो हम उसमें ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसको ना करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, सीधे करना है स्टार्ट बटन, आपका जो मतलब ऑफिस बटन है ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सीधे आप प्रिपेयर पे जाएंगे और इसका फाइल का पासवर्ड चेंज कर देंगे। मान लो आपको 1 2 3 4 था तो आप इसको करना है 4 3 2 1 और फिर ओके कर देना है, वो कह रहा है इसको कंफर्म करो 4 3 2 1 कर दिया और ओके कर देना है बस। अब देखो क्लोज करते समय यस कर दोगे, फाइल आपकी बंद हो गई। अब ओपन करके देख लो, ओपन हो गई और यहाँ से 2 2 2 पर क्लिक करो और देखो 1 2 3 4, मतलब जो आपका फ्रेंड होगा वो आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब कब एक्सेस पर कब आएगा, जब आपकी फाइल का नाम जो आपने डाला है मतलब पासवर्ड डाला है उसको आप सही सेट करोगे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 4 3 2 1 और मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा उसको इजीली। तो ऐसे आप अपनी फाइल में रखा हुआ मैटर या फिर अपनी फाइल में कोई भी डाटा रखा हुआ है तो उसको आप सेव कर सकते हो। तो ये हो गया, फिर है हमारा अगला ऑप्शन सेंड, मतलब सेंड इन ईमेल के माध्यम से, मतलब आप जो हमारा मैटर है इसको ईमेल के माध्यम से भेज भी सकते हो। तो ईमेल पे ऐसे क्लिक करोगे, वो कह रहा है कि
The profile has been created to be the new profile email icon the control panel. मतलब आपको control panel से यहाँ से आपको जाके इसको करना होगा, email icon यहाँ से करना पड़ेगा. तो इसको अभी हम जो है skip करते हैं इसको. आप इसके बाद हम अगला option देख लेते हैं. publish का use नहीं होता है. फिर कह रहा है हमारा close. close का मतलब होता है हमारा software, जैसे अगर मान लो हमें इस file को बंद करना है तो कई बार होता है हम जैसे मान लो हमने इसको बंद कर दिया तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है. लेकिन हम चाहें कि अगर हमारी फाइल बंद हो सॉफ्टवेयर ओपन रहे. तो इसको करने के लिए एम एस वर्ड पर क्लिक करो. अब जैसे ये मान ले वो फाइल ओपन कर लेते हैं. देखिए 4321 यही पासवर्ड डाला था. अब हम इस फाइल को सिर्फ बंद करना है, सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना है. तो ऑफिस बटन पर क्लिक करो, क्लोज पर करके देख लो आप. जैसे ही क्लोज पर क्लिक करो होगी नहीं आपकी फाइल बंद, लेकिन सॉफ्टवेयर बंद हुआ क्या? नहीं हुआ. मतलब अगर आपको नई फाइल पर वर्क करना है तो न्यू पर क्लिक करो और फिर से क्रिएट कर दो. तो ये हमारे ऑप्शन हो गए सारे. मतलब आप इजीली क्लोज के माध्यम से जिस फाइल पर वर्क कर रहे हो क्लोज कर सकते हो. तो ये हो गया ना हमारा. न्यू से मतलब नई फाइल, ओपन मतलब फाइल को ओपन, सेव मतलब फाइल को सेव करना, सेव ऐसे फाइल का नाम बदलना, प्रिंट से फाइल को प्रिंट कर देना, प्रिपेयर से फाइल पर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके पासवर्ड दे देना, ये सारी चीज़ें. सेंड और पब्लिश को छोड़ के डायरेक्टली हमारा क्लोज है. क्लोज का मतलब होता है फाइल को बंद करने. तो ये सारे ऑप्शन थे. आज हमने एमएस वर्ड के अंतर्गत ऑफिस बटन के सारे ऑप्शंस को जाना है. आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से सीखा होगा. ये हमारा आपसे शुरुआत से दावा रहा है कि हम देखिए हम आपको कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा नॉलेज आपको दे पाएँ. तो बस आपको एक छोटा सा कार्य यही करना है कि अगर आप इस जो है इस तरह से आगे आप बड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हो कि देखिए हम इस चैनल से जुड़ के पूरा कंप्यूटर कोर्स सीख जाए, तो हमारी तो कोशिश है कि हम आपको कंप्यूटर पूरा सिखा दें. लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को जो है बिना स्किप करके देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कंप्यूटर को सीख पाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वे भी इन चीज़ों से जागरूक हो सकें, वे भी कंप्यूटर से जो है रिलेटेड सारी चीज़ें सीख सकें. और अगर आपको हमारे जो है वीडियो को आगे भी और सारे वीडियोज़ को जो है वॉच करना है तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ठीक है. और अगर हमारे जो है हमारे वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती और पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के भेज भी सकते हो, या फिर हमारा पर्सनल ईमेल से आप हमें ईमेल से भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो. तो आशा करता हूँ जो है आप सारी चीज़ों को क्लियरली सीख गए होंगे. तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ. अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया. बाय बाय. गुड नाइट.